क्योंकि आज के न्यूज चैनल्स का काम न्यूज दिखाना नहीं, उनका काम है अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाना। सो गाइस आप लोगों को तो पता हो गया कि एलविश यादव का न्यूज वालों के साथ क्या सीन चल रहा है। न्यूज वाले आए दिन एलविश यादव को अपने निशाने पर रखते हैं। सिर्फ न्यूज वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बिना किसी चीज के, बिना किसी सबूत के एलविश यादव को अपराधी बता देते हैं। मतलब कि इस न्यूज वाले टीआरपी और व्यूज लेने के लिए एलविश यादव के खिलाफ कुछ भी चला देते हैं कि एलविश यादव ने ये किया, एलविश यादव ने वो किया। जबकि गाइस यहाँ पर एलविश यादव के खिलाफ कोई भी ऐसा प्रूफ या कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, फिर भी गाइस न्यूज वाले एलविश यादव के खिलाफ कोई भी न्यूज चला रहे और अपनी मनमानी कर रहे हैं। और गाइस ऐसे आप लोगों ने कल भी देखा होगा जब एलविश यादव ईडी ऑफिस से 8 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकलते हैं। और गाइस वहाँ पर देख सकते हो किस तरह से मीडिया वालों ने एलविश यादव के साथ बिहेव किया, किस तरह से उनका हाथ पकड़ रहे हो, हाथापाई करने को हो रहे हैं। और गाइस एलविश यादव और न्यूज वालों का ये वाला क्लिप काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा होगा, आपने भी जरूर देखा होगा। तो गाइस अभी यहाँ पर इन्हीं सभी चीजों के बारे में एलविश यादव ने अपने आज के व्लॉग में बातें की और वहाँ पर मीडिया न्यूज के बारे में क्या कहा है आप लोग खुद देखिए। मतलब इंडिया न्यूज, इंडियन न्यूज चैनल्स एंटरटेनिंग चैनल से ज़्यादा भाई और कुछ नहीं है। मिर्च मसाला, साजिशें, टीआरपीज, क्योंकि आज के न्यूज़ चैनल्स का काम न्यूज़ दिखाना नहीं, उनका काम है अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाना, चाहे उनको कुछ भी बोलना पड़े। आज की तारीख में वही जज हैं, वही पुलिस वाले हैं, वही वकील है, वही डॉक्टर है, वही सब कुछ वही है भाई। तो न्यूज़ वालों ने एक तरफा कर रखा है कि सब चीज़ वही करेंगे। देखा होगा आपने वाली क्लिप जिसमें जवाब दे दो, सीढ़ियों से आ रहा हूँ, 3 मंजिल नीचे उतर के आ रहा हूँ, साथ साथ भाग रहे हैं, हमें जवाब नहीं दिया एलविश यादव ने ये क्या। भाई मीडिया पे मेरा बस इसी बात का गुस्सा है कि यार अगर जो चीज़ करो भाई फेयर करो यार, किसी के पीछे मत पड़ो इतना। अब तुम्हारा न्यूज चैनल चलाने के चक्कर में तुम किसी को विलन दिखा देते हो, किसी को हीरो दिखा देते हो अपने उसके कन्वीनियंस के हिसाब से कि भाई हमारे हिसाब से इसको खराब है, ये वो है। मेरे बहुत सारे दोस्त मीडिया में है भाई जिनके पास सर्कुलर आते थे कि आज एलविश के खिलाफ क्या न्यूज़ चलानी है, आज कौन सी न्यूज़ दबानी है, हमें सब पता है, ठीक है, कभी बोलते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ पता नहीं है। तो बाकी गाइस यहाँ पर आप लोग एलविश यादव और न्यूज वालों के बारे में क्या कहना चाहोगे अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतने अपडेट्स है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।